करने वालों के लिए है दुनिया। गलियों में, बाजारों में, बागों में, गुलजारों में, गलियों में, बाजारों में, बागों में, गुलजारों में, प्यार का संसार है घर घर की दीवारों में। प्यार का संसार है घर घर की दीवारों में। संसार करने वालों के लिए है दुनिया। संसार करने वालों के लिए है दुनिया। ये है दुनिया, ये दुनिया। प्यार करने वालों के लिए है दुनिया। बेकार है बिना ही बेकार है। जो ना करता प्यार उसका बिना ही बेकार है बिना ही बेकार है। बात न पूछे कोई किसके भी बिना घर बार है बिना घर बार है। बात न पूछे कोई किसके भी बिना घर बार है बिना घर बार है। चोर कहीं का। और बाकी सफा चट कर गए बच्चा? ये तो क्या तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ चच्चा। अच्छा, और आज जो मेरा सर्जर का उपवास? तभी तो हनुमान जी की पूजा छोड़कर रेडियो जी की पूजा कर रहे थे। ठहर तो, अभी कहता हूँ तेरी माँ से। मेरी माँ से कहता हूँ क्या चच्चा? रेडियो की चिमनी ले रहे थे। शैतान जी, खराब हो रहा। क्यों मास्टर जी, केले मिल गए ना? जी बिल्कुल मिल गए, बिल्कुल मिल गए। वही तो मैं इसे दे रहा था लेकिन लेता ही नहीं। इसे है? क्यों बेकार देते हो? तुम खाओ ना, आज तुम्हारा उपवास है। कोई बात नहीं। लो। रोज दोगे? रोज नहीं, कभी कभी। लो।
अरे मियाँ, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? चल 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 स्कूल। अरे तो मैं भूल ही गया था। अरे मियाँ, आज तुम्हारे गाल पे सिलमोहर किसने लगा दी? मियाँ, आज कुछ दाल में काला दिखाई देता है। मैं बताऊं पापा जी, अमर चचा ने रेडियो पर छा में बड़ी का मात्रा छी और ला में बड़ा का मात्रा ला शीला लिखा और उस पर अपना ऐसे गाँव रखा था। अरे जाओ मियाँ, बड़ा घोड़ी बड़ा घोड़ी। अरे मियाँ बाहर आओ, कुंवारी लड़कियों की तरह क्या झांक रहे हो? नहीं तो स्कूल जाना है, जरा देर हो गई, माफ कीजिएगा। आज ओ मास्टर जी, आज दूध दूध नहीं लेना है क्या? ये तो भूल ही गया था। आज सिर्फ 3 सेर दूध, मेरा उपवास। सुनो मास्टर जी, आज की गाड़ी नहीं चलेगी, जल्दी शादी करो। शादी? हाँ हाँ शादी, नहीं तो इधर से उधर उधर से इधर रोज दौड़ते रहोगे। रोज नहीं, कभी कभी। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना तुम भी आदमी थे काम के, क्यों मियाँ? हाँ, सुधा देवी गई, हम देवी बेबी के चक्कर में नहीं पड़ते। शीला देवी गई क्या? वही प्यार करने वाली, अभी भी गाया था। वाह, आप रेडियो स्टेशन पर आती हो, शीला देवी को नहीं जानती? शीला देवी? हैं? ओए जी हाँ। कहाँ मिली? दफ्तर में, ऊपर। आपसे उनकी पहले की जान पहचान है? जी हाँ, बड़े जोरों की। अच्छा, ये कैसे? वो गाती हैं और मैं सुनता हूँ। अच्छा, रेडियो पर? जी नहीं, घर में। वो रोज मेरे घर आती है। रोज? जी, रोज नहीं, कभी कभी। अच्छा, कभी कभी। जी हाँ, बिना उन्हें देखे तो मेरी कल्पना का हवाई जहाज उड़ता ही नहीं। कल्पना का हवाई जहाज? यानी आप कविता भी करते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? आप लोगों की दुआ से आज तक हजारों घसीट मारी है। शीला देवी अपने सुरीले गले से मेरे ही गाने झूम झूम के गाया करती है। गुस्ताखी माफ हो, आपका परिचय? मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ। हाँ, फिजिकल इंस्ट्रक्टर व्यायाम मास्टर नहीं। क्यों आपका हंसी आ रही है? आप ये पूछिए कि मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? आप जैसे नाजुक औरतें हैं, अगर व्यायाम मास्टर नहीं हो सकती है तो हम जैसे मर्द तो बस महाराणा प्रताप बन सकते हैं। जी, अगर आप जैसे बीहड़ मर्द कभी हो सकते हैं तो हम जैसी औरतें व्यायाम मास्टर नहीं भी हो सकती हैं। रोज नहीं, कभी कभी। जी। मगर आपका नाम? मेरा नाम लीला, शीला की बहन लीला। हाँ? अरे जरा ठहरिए तो, अरे अरे जरा सुनिए तो, लीला की बहन लीला। अरे
नमस्ते। नमस्ते, कहिए। आपके यहाँ लीला देवी है ना, व्यायाम मास्टरनी, फिजिकल इंस्ट्रक्टरेस? जी हाँ। आप हैं मिस लीला? देख रही हैं? कुछ नहीं, यूं ही। मैंने सोचा आप भी सन बियालीस के मोमेंट में काम कर रही हैं। मैं? जी नहीं। क्यों, देश के लिए कुछ करने को जी नहीं चाहता? जी तो बहुत चाहता है, मगर घर से मजबूर हूँ। घर में सिर्फ मेरे अंधे पिता और... खैर जाने भी दीजिए, इसे पढ़िए। यही रहने किया करती हूँ। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप ही की तरह सोमवार पहले मेरी दूसरी दोस्त थी, माफ कीजिए, गलती। खैर, फिर ऐसी गलती ना करना। नाम है तुम्हारा? शीला रानी। कहाँ रहती हो? अंधेरी में। क्या काम करती हो? रेडियो पर गाती हूँ और डांस करती हूँ। गाती हो, डांस करती हो, और? और क्या इंस्पेक्टर साहब, औरतें बिचारी और क्या काम करेंगी? चूल्हा, चक्की, मर्दों की सेवा करना, दुनिया भर की औरतें एक ही काम करती हैं। तुम कौन हो जी, बीच में टांग अड़ाने वाले? जी मैं आमतौर से तो मैं व्यायाम मास्टर हूँ, लेकिन खास तौर से मैं इनका वही लगता हूँ जो आप अपनी बीवी के लगते हैं। क्या? यानी मेरी घर वाली बीवी? क्या सबूत है कि तुम्हारी बीवी है? जी देखिए, देखिए आप तो बस चुप रहिए। इंस्पेक्टर साहब, हमसे रूट से घर भागी जा रही थी, लेकिन आपके जमदूतों का भगवान भला करे, मेरा अधूरा काम पूरा कर दिया। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते। चलो। नहीं चलोगी तो जाओ जेल की हवा खाओ। मुझे क्या, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, बंबई में लड़कियों की भी टकसाल है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। अरे रे रे, इंस्पेक्टर साहब का गजब हो जाएगा, देखिए वो गुस्सा होकर जा रहे हैं, अब मैं क्या करूंगी? सुनिए सुनिए तो। चलो, और तुम्हारी अब ठिकाने हो जाएगी, तुम भी चलो दोनों। पटवाई? पटवाई अपने बीवी पर लगाम नहीं लगाते, आज दीवार पर ये बुलेटिन लगा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, ये और बुलेटिन, जो औरत अपने मर्द के डर से भाग जाए वो भला बुलेटिन क्या लगाएगी? क्यों नहीं हुजूर, हमने खुद देखा है हुजूर, यही लड़की, यही सलवार और यही ओढ़नी। ये ओढ़नी वाले 56 लड़कियां ऐसी सलवार पहने रोज घुमा करती है बम्बई में। इंस्पेक्टर साहब डाले दो ना यार। या क्या रिश्वत दे रहे हो? रोज नहीं, छोड़ो मुझे, मैं खुद चलूंगी।
साहब यही लड़के। ब्लडिंग तुमने लगाया था? जी हाँ मैंने ही लगाया था। माफ कीजिएगा गलती हुई। खैर फिर ऐसी गलती न करना। अब भी वक्त है, जा सकती हूँ। कितनी बहादुर लड़की है, देखकर अभिमान होता है। तब तो मुझे 101 गुना ज्यादा अभिमान होना चाहिए। अरे इनका सबसे बड़ा नेता मोहन क्रांतिकारी मेरा पैदाइशी दोस्त है। जैसे शीला थी। छोड़िए मेरा हाथ। देखिए हमारे बाप दादा कहते थे कि बेटा जिसका हाथ एक मरतबा पकड़ना जिंदगी में छोड़ना नहीं। जहन्नुम में। लेकिन ये रास्ता तो चौपाटी को जाता है। कौन है ये? तेरी भाभी? ये कब पैदा हुई? हुई नहीं, होने वाली। वाह पट्टे, इस खुशी में तुझे दावत। चल मेरे घर। आओ लगे तेरे लक्षण में, अपने मर्द के लिए खाना भी नहीं बना सकती। और खाना? मेहम साहब को घर का खाना जहर लगता है, होटल का 56 प्रकार चाहिए। ए बुढ़िया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आप क्यों बिगड़ते हैं? दोस्त की बीवी पर नाराज नहीं हुआ करते। एक्सक्यूज मी, मेरा एक जरूरी एंगेजमेंट है। बाय बाय। ये सब तेरी गलती है। अब तुम ही समझाओ इसे भैया, मैं तो समझाते समझाते बुढ़िया हो गई। मुझे तो ऐसा गुस्सा आया था कि तू जा झापड़ रसीद कर दो। अरे तू क्यों इतना बिगड़ता है यार, तुझे तो मिल गई है ना तेरे मन की छोकरी। जान पहचानना साहेब सलाम ना, दिल मेरा लेके चला गया, दिल मेरा लेके चला गया, ओ दिल मेरा लेके चला गया, चला गया, दिल मेरा लेके चला गया, चला गया। जान पहचानना साहेब सलाम ना, दिल मेरा लेके चला गया, दिल मेरा लेके चला गया, ओ दिल मेरा लेके चला गया, चला गया, दिल मेरा लेके चला गया, चला गया। ना तो मैं नाम जानूंगा ना ठिकाना जानूंगा ना ठिकाना, रस्ते में आज मिला कोई अनजाना, मिला कोई अनजाना, एक नजर में जैसे कोई हाय जादू करके चला गया, हाय जादू करके चला गया, ओ दिल मेरा लेके चला गया, चला गया, दिल मेरा लेके चला गया, चला गया। जान पहचानना साहेब सलाम ना, दिल मेरा लेके चला गया, दिल मेरा लेके चला गया, ओ दिल मेरा लेके चला गया, चला गया, दिल मेरा लेके चला गया, चला गया। बड़ी बड़ी आंखें उसकी, मीठी मीठी बातें, वो मीठी मीठी बातें, रोज नहीं कभी कभी होंगी मुलाकातें, हाँ होंगी मुलाकातें, आस बना के बोते बना के याद अपनी देके चला गया, याद अपनी देके चला गया, ओ दिल मेरा लेके चला गया, चला गया, दिल मेरा लेके चला गया, चला गया। जान पहचानना साहेब सलाम ना, दिल मेरा लेके चला गया। अरे अरे
अच्छा आज केला लाई है? हाँ बाबा, मेरा जी कहता है आज तुम्हें मीठा मीठा खिलाऊं। तूने रख लिया अपने लिए? बोल। हाँ। शीला, सच सच बता, हंस इतनी मगन क्यों है? यूं ही। ना ना, कुछ तो है। आज पहली बार तो अपने बाबा से कोई भेद छुपा रही है। सच बाबा, कुछ नहीं। बताऊं? हाँ। वो नीचे नन्ना मुन्ना बच्चा है ना, उसने मुझे चुम्मी दी है। बाबा, आज का दिन भी कितना अच्छा है, अपनी चाल में भी कितनी सफाई है। और बाबा, आज बस तो इतनी जल्दी जल्दी मिलती गई कि बस स्टैंड पर पहुंची नहीं कि बस। और बाबा, आज बस में इतनी जगह खाली थी कि बस। मुझे तो बस ऐसा लगा मेरी खुद की मोटर कार है कि बस। अरे बस की बच्ची मुझे रोटियां देती है कि बस। मैं तो भूल ही गई। अभी तो रोटियां देना भूली है, कहीं मुझे भी न भूल जाना। जाओ बाबा। मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल बुरा न मानूंगा, कोई है तो बता। मैं बूढ़ा अंधा, भला कहां से खोज के लाऊंगा कोई आदमी? अपना जीवन साथी तुझे ही खोजना होगा। ये क्या, तुझ पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ अपना साथी खोजने में धोखा नहीं खाएगी मेरी बिटिया। मैं शादी करूंगी ही नहीं। पगली कहेंगी। बाबा, आज शाम को तुम्हारी इस पगली का नाच है। अरे हाँ, मैं भी चलूंगा देखने। पर तुम्हें दिखेगा कैसे बाबा? मेरी बिटिया का नाच मुझे दिखाई देता है। फिर क्यों कहते हो कि तुम अंधे हो? और दोस्तों, अभी के इस डांस का नाम है आदर्श जोड़ी। मतलब ये कि आप चाहे काने हो चाहे नकते, माफ कीजिएगा, आप यानी हम मर्दों की शक्ल हो चाहे बंदर से भी ज्यादा बुरी, लेकिन बीवी चाहिए असली पेरिस की परी। मगर जनाब, खुदा कैसा करता है इंसाफ, ये आप देखिए खुद।
टांगों को जरा आराम दीजिए, तशरीफ रखिए।
मालूम होता है आसमान की परी जमीन पर उतर आई। सच? सच क्या बूढ़े बाबा, भगवान ने तुम्हें आंखें दी होती तो तुम यही कहते बूढ़े बाबा कि हमें ऐसी बेटी क्यों न मिली। जिस घर में रहती होगी बिजली जलाने की जरूरत नहीं। अरे लेकिन बूढ़े बाबा वो आ रही है। बाबा। शाबाश मेरी बच्ची, देखो बाबू साहब ये मेरी ही बेटी है। अच्छा जी, आप सुन के बड़ा अफसोस हुआ। खुशी हुई? चलो बाबा। मैं सहारा दे दूं? नहीं नहीं, ये है ना सारे के लिए, ये मेरी बेटी भी है और बेटा भी। हाँ बेटा, चलिए टैक्सी तैयार। चलो अरे यार मैनेजर, मुझे भी उधर ही जाना है, ड्राइवर को बोलो मुझे भी छोड़ देना है। पैसे मैं ही दे दूंगा। तो कोई हर्ज नहीं। अरे भाई ड्राइवर, इन्हें भी रास्ते में छोड़ देना। जी, मुझे मालूम नहीं था कि ये आपकी मिसेस है, माफ कीजिएगा गलती हुई। खैर फिर ऐसी गलती नहीं करना है। कहते हैं तो आज बहुत अच्छा नाचे। रहने दो बाबा। अरे शर्माती क्या है, अपनी बड़ाई सुनकर खुश होना चाहिए कि शर्माना चाहिए? लेकिन बाबा खुद अपनी लड़की की तारीफ। मैं अकेला थोड़ा ही कहता हूँ, सारे लोग यही तो कहते थे। और हाँ सीना, एक बाबू जो मेरे पास बैठा था ना, वो तो कहता था कि आसमान की परी जमीन पर उतर आई है। रहने दो बाबा। अरे सुन तो, ये वही था जिसने बाहर मारपीट की थी। क्यों की थी मालूम है ना? हाँ हाँ सब कुछ मालूम है। क्या बोल क्या मालूम है? हा? कुछ नहीं। अरे तू तो सुनती क्यों नहीं? वो लड़के तेरे बारे में कुछ बुरा भला कह रहे थे। बेटी जमाना बड़ा खराब है, अब तू सयानी हो गई है, इसलिए कहता हूँ अपनी शादी कर डाल। बाबा ये सब बातें इसी वक्त करनी है क्या? अरे बात करने के लिए कोई खास वक्त होता है क्या? सुन दो दिन कह रही थी ना कि कोई भला आदमी तुझे बस में मिला था, कुछ पता लगाया कौन है क्या करता है? बाबा। अरे बाबा की बच्ची मुझे ठीक ठीक बता, अब तू शादी करेगी कि नहीं? मैं शादी नहीं करूंगी। तो क्यों उस बस वाले की तारीफ के पुल बांध रही थी? बोल ये सब आज ही कहना है क्या? आज तुझे हो क्या गया है, दूल्हे के पास बैठी भी नहीं दुल्हन की तरह शर्माती है? क्या कहा, ड्राइवर सुनता है? अरे बम्बई के ड्राइवरों को ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है। लेकिन मोटर में? मोटर में क्या, देख अगर वो बस वाला तुझे पसंद है एक दिन मेरे पास बुला, मैं सब कुछ तय कर दूंगा। जाओ मैं तुमसे नहीं बोलती। रुक गई। अच्छा भाई मैं भी चुप। मेरी चूड़ी, गाड़ी रोको। चूड़ी टूट गई? नहीं नीचे गिर गई, अभी लाती हूँ। अंधेरे में दिखेगी कैसे? बिजली का खंबा जो है। मैं भी चलूं? नहीं नहीं मैं लाती हूँ। बड़े ठाक से मोटर में आ बैठे थे, किसने बुलाया था? तुम्हारी आंखों ने। तुम्हारी आंखों ने? मेरी नहीं तुम्हारी। बस यही आता है, हमारी जान गई आपकी अदा ठहरी। बड़ी माज में हंस रहे थे। यानी तुम्हारा ध्यान बाबा की बातों में नहीं था, मुझे देख रही थी। बड़े सुंदर है ना आप। शुक्रिया शुक्रिया। तो पसंद आया आपको? सचमुच कितने बेशर्म होते हैं मर्द। रोज नहीं कभी कभी। बस अब ठीक, चलो बाबा से कह करके अभी शादी पक्की। लेकिन मुझे शादी करनी ही नहीं। लेकिन मुझे तो करनी है, चलो। मगर मेरी चूड़ी। Thank you.
क्या है रे? हमारे बाप साहब हमेशा कहा करते थे कि बस जिंदगानी का मजा शादी में है। जिंदगानी का मजा शादी में है, जिंदगानी का मजा शादी में है, नौजवानी का मजा शादी में है, नौजवानी का मजा शादी में है, जिंदगानी का मजा शादी में है। चाहे जिस कंट्री का रहने वाला वो इंसान हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, अमरीका हो, जापान हो, धर्म सबका है जुदा, पर गॉड सबका एक है। हाँ, ढंग शादी का जुदा, पर सबका मतलब एक है। हाँ, सबका मतलब एक है। क्या? जिंदगानी का मजा शादी में है, नौजवानी का मजा शादी में है, जिंदगानी का मजा शादी में है। अमरीका, इंग्लैंड, जहाँ पर वाइफ और हस्बैंड, दोनों लिए हैंड में हैंड, झिंझक झिंझक बाजे बैंड, बाजे बैंड, बाजे बैंड। पादरी लिए बाइबल हाथ आया, उन दोनों के पास आया, उन दोनों के पास, बदली गई रिंग से रिंग, डिंग डिंग डोंग, डिंग डोंग डिंग। आखिरी कस्टम भी मैरिज का हुआ सबसे बड़ा। हाँ, देख कर आखिर मुझे मजबूर हो कहना पड़ा, मजबूर हो कहना पड़ा, ओ मजबूर हो कहना पड़ा। क्या? जिंदगानी का मजा शादी में है, नौजवानी का मजा शादी में है, जिंदगानी का मजा शादी में है। अफ्रीका के जंगल वाले कोयला जैसे काले 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 काले, लिए हाथ में लंबे भाले, लंबे भाले, लंबे भाले, लंबे भाले। आए लड़की लड़के वाले, लड़की लड़के वाले, पंडित जी ने दुल्हन जी के सर पे रखा हाथ गोखा की झाड़ी के पास, पंडित जी ने दूल्हा जी के सर पे रखा हाथ, वो भी गए उसी के पास। जंगल में मंगल हुआ, बजे ढमाढम ढोल, ढोलों की आवाज में भी निकले ये ही बोल साहब, निकले ये ही बोल, निकले ये ही बोल। क्या? जिंदगानी का मजा शादी में है, नौजवानी का मजा शादी में है, जिंदगानी का मजा शादी में है, जिंदगानी का मजा शादी में है। अरे रोको, क्यों मास्टर जी, ये क्या घोटाला है? जी घोटाला नहीं, शादी है। शादी? जी। अरे भाई किसकी? मेरी बीवी की। Thank you.
मुझे मालूम नहीं था कि शादी वाले लोग कैसे रहते हैं। तो करता क्यों नहीं? तू अपने को क्या समझता है? मेरी भी शादी हो चुकी है। वाह बच्चू, तू तो क्रांतिकारी है। तुझे किसने कहा था शादी करने को? महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को उन्होंने कहा था, या तो हिंदुस्तान को हम आजाद करके रहेंगे या शहीद होकर मरेंगे। मैंने देशभक्ति से शादी कर ली। देशभक्ति? अरे वाह रे देशभक्त के बच्चे। तुझे घर से निकले कितने दिन हुए? करीब 1 साल। 1 साल तो तेरी होली दिवाली ये सब कहाँ गुजरी? जंगलों में, रेल की लाइनों पर। तो ठीक है शीला, रोज एक नया नया त्योहार मनाओ। अरे ले ले, असली घी का है। नहीं ऐसे। मैं नहीं लूंगा। रख दीजिए। नहीं डरती क्यों है? रख दीजिए ना, जो रखेगा वही खाएगा। ये बच्चू, अगर थाली में कुछ भी छूटा तो सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अच्छा मैं चला। जा जा, तब तक जरा छुट्टी तो मिलेगी। क्यों, खाइए ना। रोज रोज मीठा खाते खाते जी उग गया, खाया नहीं जाता। अच्छा आज खा लीजिए, कल रोटी, चटपटी चटनी और नमकीन पकौड़ियाँ बना दूंगी बस। वाह बहन, मेरे दिल की बात छीन ली तुमने। ये क्या है? बोलते क्यों नहीं? ये सब क्या है? ये रोटी और ये चटनी। मैं अंधा नहीं हूँ, ये सब क्यों बनाया? मेरे कहने से। तुम कौन हो? मिस्टर अमर का दोस्त। मजाक मत करो, बिना मेरे पूछे सब क्यों बनाया तुमने? क्यों ना बनाती? देखो मैं इस घर का मालिक हूँ, जो कुछ कहूंगा वही होगा। ये भी इस घर की मालकन है। इतनी जरा सी चीज के लिए क्या बिगड़ना? रोज मीठा खाते खाते जी उग गया था, इसलिए इन्होंने कहा कि कभी कभी। लेकिन मैंने क्या कहा था? भूल हुई। भूल क्या हुई? अगर एक दिन भी कोई चीज तेरे मन की नहीं होती तो आफत कर देता है। दूसरे का मन भी तो मन है। जो कुछ हुआ ठीक हुआ। ठीक हुआ तो खाओ तुम लोग। अरे बैठ जा मेरे राजा। बैठी मैं अभी पूरी बना। मेरा हाथ छोड़ दो। मोहन है? चौपाटी पर गए हैं। मैं उतार लूंगा। मैं खोल लूंगा। सुबह का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। तुम्हें क्या फिक्र है? मुझे फिक्र ये है कि अगर मोहन को मालूम हुआ कि आप सचमुच उनसे नाराज हैं, तो उन्हें बहुत अफसोस होगा। अब तो उनसे ठीक से बोलिए। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मेरा सर फिर गया था जो उसे अपने घर में रख लिया। इतने परेशान क्यों हो गए? क्यों ना हूँ, जो तुम लोगों की जी में आए कहे जाओ और मैं चुपचाप सुनता रहूं। ऐसा भी क्या, दोस्तों में तो ये होता ही रहता है। किसी वक्त हंसी मजाक कर दिया तो इसमें क्या बुरा मानना? कुछ नहीं, दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी बीबी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाया। मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरे दोस्त का ख्याल है? ये आप क्या कह रहे हैं? पहले हम एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते थे क्या? हम लोगों की बात और, कोई दूसरा हमारे बीच में पड़े ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वो घर में रहेंगे तो उनका ख्याल रखना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसी ही तकलीफ होती है तो उनसे साफ साफ कह दीजिए, कहीं दूसरी जगह चले जाए। ये भी कह देता मगर। जाइए दरवाजा खोलिए। तुम जाओ, मैं उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता। ठहरो।
मैंने सोचा मियां कि तुम बाहर गए हो। क्यों? ऐसे ही कैसे? मैंने अभी अभी नीचे सुना है कि मियां तुम्हारे यहाँ सचमुच कोई क्रांतिकारी आया है। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं। ये कौन? मामला क्या है? कुछ नहीं। तो ये गुपचुप क्यों? मजाक का वक्त नहीं, ये बूढ़ा किसी को खबर ना कर दे। जल्दी जा अमर। नहीं जाएगा तो मैं ही जाता हूं। मैं जाती हूं। हेलो, देखने में बुद्धू है लेकिन है बड़ा चालाक। आप सबसे ज्यादा होशियार हैं, वो क्या कर सकते हैं। क्यों, क्या हुआ, क्या करके आए? बोलना क्या हुआ। सब कुछ ठीक हो गया। ये बूढ़ा मुंशी दिल का बड़ा ही काला है। कहने लगा हटाओ उस खतरे की घंटी को, नहीं तो सबके सब फंस जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे ढंग से समझाया कि आखिर मान ही गया। आदमी कुछ गड़बड़ तो नहीं? महाडरपोक है वो, खुद ही घबराता है। वाह बच्चू, है पूरा तिड़ीबाज। देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ ना। मुझे पहले ही मालूम था कि तू मौके पर चूक नहीं सकता। कैसा बेवकूफ बनाया उस बूढ़े को, क्यों? और मैंने जो उस बूढ़े के बारे में पूछा तो जवाब क्यों नहीं दिया? सुबह मजाक किया था इसलिए। ऐसा भी क्या, दोस्तों में तो ये होता ही रहता है, किसी वक्त हंसी मजाक कर दिया तो इसमें बुरा क्या मानना। सच, अगर तुझे बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम लोगों को तकलीफ दी। भाई वाह, तू तो एकदम जेंटलमैन हो गया। तुम्हारी सोहबत का सर। तो अगर मैं थोड़े दिन और रहूं तो मैं जरूर एक दिन गोली मार सकता हूं। गोली यानी क्रांतिकारी बन सकता हूं। वाह बच्चू, तेरे भले आदमी बन जाने की खुशी में आज तू जो कहे वो खिलाऊं। अरे तू और मैं क्या दो हैं, जो तू कहेगा मुझे मंजूर। तो बस एक एक गिलास ठंडा पानी दोनों को पिला दीजिए। आज तो पानी ही पीकर सोना मुझे पसंद है। क्यों? अच्छा, इन्हें तकलीफ न हो इसलिए। और क्या, रोज जब देखो दोनों वक्त चूल्हा, आज इनके हाथों को आराम मिलेगा और हमारे पेट को। मुझे काम के वक्त आराम अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, मोहन बाबू ने जो कहा है वही होगा। शुक्रिया, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, उपवास करने से तबीयत एकदम हल्की हो जाती है। जरा पानी दीजिए। क्यों तंग करती है, सुने तो मुझे। औरतें आपकी हंसी उड़ा रही थी क्या? मैंने सुन लिया, यहां आइए आइए, बैठिए बैठिए ना, वहां नहीं मेरे पास। खुश हुए ना? एक मीठा सा नाम तो सोचिए, क्या नाम रखिएगा?
आप तो औरतों की तरह शर्माते हैं, कुछ बोलिए ना। अच्छा बताइए किसकी तरह दिखेगा? अपने बाप की तरह। दिखने में हो लेकिन स्वभाव में आपकी तरह ना हो तभी अच्छा। क्यों और क्या, नहीं तो जब उसकी भी शादी हो जाएगी तो वो भी अपनी बीवी को इसी तरह सताएगा जैसे 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 उसका बाप। तो स्वभाव किसकी तरह होगा बोलो, किसकी तरह? मोहन की तरह। तो क्या हुआ, उनकी तरह देशभक्त हसमुख। उसी की तरह होगा। इतनी रुखाई से क्यों बोलते हैं? अच्छा गुस्सा ना कीजिए, स्वभाव में भी आपकी तरह होगा, बस इसी तरह बेदर्द, दूसरे के दिल की परवाह ना करने वाला। चुप रहती हो कि आप इस तरह कीजिएगा तो कैसे चलेगा? पति का फर्ज ना पूरा कीजिए ना सही, लेकिन पिता का फर्ज तो पूरा ही करना होगा। बाहर में जाए सारे फर्ज, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, आजाद हूँ। शादी के बाद आजादी नहीं मिलती, उसके लिए जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ता है मोहन की तरह। मोहन कहाँ जा रहे हो? इस वक्त बाहर जाना अच्छा नहीं। और देखिए कल आज बुखार की बारी है, ऐसा ना हो कहीं। बुखार तो रोज का है, आज रक्षाबंधन है ना, मैंने शीला बहन से वायदा किया था मैं जरूर आऊंगा, वहीं जा रहा हूँ। बड़ी देर से राह देख रही थी, बैठी अभी आई। प्रभु मेरे भाई को देश आजाद करने में यश दो। ये क्या, बदन कुछ गर्म है? आपको बुखार होगा। मुझे बुखार होगा? झूठे, इस हालत में क्यों चले आए? वादा किया था ना अपनी बहन से। मोहन आए हैं। बड़ी खुशी हुई। बुखार आ गया है। यहाँ आने पर? नहीं, बुखार में ही तो आए हैं। कोई बहुत जरूरी काम रहा होगा? आज यहाँ आने का वादा जो किया था। जरूर जरूर, आदमी जो वादा करे उसे पूरा ही करना चाहिए, चाहे जान रहे चाहे जाए। बुखार तेज है, आराम से लेट जाइए। अच्छा मैं जाता हूँ उस कमरे में सोने, खाना खा चुका हूँ। वहाँ क्यों? कुछ नहीं, ये बीमार आदमी है। अरे जरा थक गया था, दो मिनट यहीं लेट गया। मैं अपनी पुरानी जगह पर जाता हूँ, तू यहीं लेट। सहारा दे दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं, आजकल जरा इसे सहारा दिए जाइए। सहारा बीमार कमजोर को चाहिए, मुझे जरूर। अरे मैं मेरी समझ में नहीं आता, आप साफ साफ बतलाते क्यों नहीं, इतने परेशान क्यों रहते हैं? दूर कर दोगी मेरी परेशानी? दूर नहीं तो कम करने की कोशिश करूंगी। कहीं तुम्हारी परेशानी तो न बढ़ जाएगी? क्यों? अब मैं घर में ही रहूंगा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हो चुका है, मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? क्यों, खुद ही परेशान हो गई? नहीं, सोच रही हूँ मैं भी इस हाल में बाहर नहीं जा सकती, कैसे होगा। खैर अभी तो आराम कीजिए।
हुआ? हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों देखा है। क्या देखा है आपने? कुछ भी तो नहीं, दरवाजे भी सब बंद है। क्या बात है अमर? कुछ नहीं, सपना देखा है शायद। अरे इतना घबरा क्यों गया? नौकरी छोड़ दी इसीलिए जरा परेशान हो गए। तो ऐसी परेशानी क्यों? रुपए की बहुत जरूरत पड़े तो मुझे पुलिस के हवाले कर देना, सीधे सीधे 5,000 रुपए मिल जाएंगे। चल सो जा आराम से। क्या चाहिए? 5,000 रुपए। ये पुलिस चौकी है, कर्ज देने वाली कंपनी नहीं। जानता हूं। तो रुपए किस लिए? मैंने मोहन क्रांतिकारी को पकड़ लिया है। तुमने? आप हंसते हैं? हम 6 महीने से पुलिस उसकी खोज में सर पटक रही है और तुमने पकड़ लिया। आपको इससे क्या? कहां है वो? मेरे घर में। हमारे जाने तक वो भाग तो नहीं जाएगा? नहीं, मेरी बीवी उसके पास है। ये क्या है? देख रहा हूं कहीं पीकर तो नहीं आया। देखिए सर, अगर आपको चलना हो तो चलिए, वरना मैं जा रहा हूं दूसरे थाने पर। हमारे यार, दूसरे थाने पर क्यों जाते हो? मैं यहाँ क्या मक्खियां मारने के लिए नौकर हूँ? वेलकम। हट जा, गेट साइड। क्यों? घर मेरा है। कौन कहता है कि दूसरे का घर है? ये भी भूल गए, आप ही का घर है, घर की सारी चीजें आपकी है। चुप रहो। देखिए थोड़ी देर आप भी चुप रहिए, बोलिए नहीं, 2-4 दिन आराम कीजिए, दिमाग ठीक हो जाएगा। मुझे बेवकूफ बना रही है? आपको भी बेवकूफ बनाऊंगी, मैं आपकी पत्नी हूँ। कौन कहता है कि तू मेरी पत्नी है? ये भी भूल गए। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं शीला हूँ, आपकी पत्नी, जरा पहचानिए तो। मैं कहता हूँ शट अप। कहाँ है बेईमान? क्या रात से आप बेईमान बेईमान चिल्ला रहे हैं? कौन है वो? वो नीच पाजी, देशभक्ति के नाम पर दूसरों के घर में खाता है, मजा करता है। आखिर ये है कौन, जरा बताइए तो, नींद में भी आप यही कह रहे थे। इंस्पेक्टर चुप कराओ इसे। मोहन, ये मोहन के बच्चे। अब समझी, इंस्पेक्टर साहब 5,000 रुपए ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। जब से नौकरी छूटी, हाय पैसा हाय पैसा, आप लोग बेकार इनकी बातों में फंस गए हैं। क्रांतिकारी घर में नहीं, इनके दिमाग में घूम रहा है। खामोश। आइए इंस्पेक्टर साहब। उस बकस की कुंजी दो। बहुत हो चुका, कुछ तो मेरा विश्वास कीजिए। औरत पे विश्वास? कुंजी दो। मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर साहब, अगर थोड़ी देर और इनका ये हाल रहा तो सचमुच पागल हो जाएंगे। मेरा एक बार कीजिए, मैं सच कहती हूँ इस बक्स में आपके लिए कुछ न मिलेगा। अब तो ये बक्स दिखाना ही पड़ेगा, मुझे शक है। तू कुंजी देती है कि मैं? ठहरिए, यही आपकी शराफत है? 4 पहाड़ी आदमियों के सामने अपनी औरत पर हाथ लगाते हैं? आप शोहर होने के लायक नहीं, आपके अंदर मर्द का खून नहीं। ले जाइए, देखिए देखिए, जी भर के कलेजा ठंडा कीजिए। ये तो मुसीबत आ गई, इसका तो सचमुच। देखो तुम लोग इसे पकड़ कर सर से पांव तक ठंडे पानी में खूब अच्छी तरह डुबो दो, ताकि इसका दिमाग ठंडा हो जाए। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम लोग?
क्या चाहते हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो? छोड़ते क्यों नहीं? छोड़ दो मुझे, पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो, क्या चाहते हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, क्या चाहते हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। माफ कीजिएगा देवी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कोई जरूरत पड़ जाए तो बताइएगा। पागलखाने का मैनेजर मेरा दोस्त है। छिपाया? पहले आप बोलिए, घर में पुलिस क्यों लाए? घर मेरा है, कोई मेरे काम में दखल नहीं दे सकता। औरत भी? किसकी औरत? आपकी। मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। घर के हर काम में आपको मुझसे पूछना होगा। तूने जो किया है मुझसे पूछे किया है? मैंने क्या किया? साफ साफ बताते क्यों नहीं? तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात आपने किया? 5,000 रुपए के लिए अपना फर्ज, इंसानियत सब कुछ बेच दिया। ईमानदारी से अगर बीवी बच्चों का पेट नहीं भर सकते तो उन्हें मार क्यों नहीं डालते? ये भी करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं चाहता था कुछ नमक हराम को फांसी दिलवा के छोड़ता। मैंने उसे मौत के मुंह से बचाया और मेरी ही जिंदगी उसने मौत कर दी। ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? जिस दिन से वो आए घर में एक नई जिंदगी आ गई थी। तेरी जबान नहीं करती है कहते हुए? तू बाज रहती तो अच्छा होता। देखती क्या है, ये पाप की नई जिंदगी तेरे गर्भ में टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाती? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, ये लड़का मेरा नहीं है, उसी नमक हराम का है। जबान संभाल के बोलिए, मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। मैं कहाँ हूँ तेरा पति? तेरा असली पति है नमक हराम मोहन। मुझे थप्पड़ मारती और उसे गले में बाहर डालती। मास्टर जी, ये क्या कर रहे हो? जरा सोचो तो, भगवान से डरो, इसके पेट में बच्चा है। धन्य में जाओ बच्चा। खबरदार जो उसके लिए कुछ बुरा कहा। अगर मैं जानती कि तुम्हारा दिल इतना काला है तो शादी की चूड़ियां पहनने के पहले ही जहर खाकर मर जाती। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। न जाने मेरे बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में क्या है। तुम इसके दुश्मन हो, तुम आदमी नहीं जानवर हो, तुम राक्षस हो। बाबा। बेटी बोल, बोल मेरी अच्छी बेटी, बोल, बोलती क्यों नहीं? बाबा बोल मेरी अच्छी बेटी। क्या बोलूं, मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया। जिसे मैं सोना समझती थी वो पत्थर निकला। साफ साफ बता बेटी, मुझसे तेरा यह हाल देखा नहीं जाता। क्या कहूं बाबा, कहते हुए भी शर्माती। माँ बाप से बच्चों को शर्माना नहीं चाहिए। बाबा उनका मेरे ऊपर से विश्वास उठ गया है। वो तुम्हारी शीला को कुशीला समझते हैं। अरे राम राम राम, गंगा जमुना की तरह पवित्र मेरी बेटी पर जो उंगली उठाएगा। लेकिन ये कहने की उसे हिम्मत कैसी पड़ी? इनका एक क्रांतिकारी दोस्त एक दिन भाग कर आया। इन्होंने खुद उसे घर में सहारा दिया। मैं उसे भाई समझती थी, वो मुझे बहन मानता था। मगर इनके सर पर शक का भूत सवार हो गए, गुस्से में पागल हो गए। आज मेरा गला घोट देना चाहती थी और मेरी सोने वाली संतान को भी। रो मत बेटी, रो मत, तेरे दिल पर बहुत बड़ा घाव लगा है। भगवान तुझे दुख सहने की ताकत दे।
क्रांतिकारी होना चाहते जी? जी हाँ। तो चलिए मेरे साथ। अमर दादर। क्या काम है? मोहन को पकड़ने आए हैं। मैं उसे गोली मार दूंगा। ठीक है, आइए 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 ना जी। अंदर आइए। इन्हें पहचाना? पुलिस बुलाओ। क्या बात है, आप कुछ बीमार थे? जी नहीं। हाँ, आपका मुंह कुछ सूखा सूखा घबराया सा नजर आता है। जी। इन्हें पहचाना? जी, ये तो वही पुलिस है जो मेरे घर आया था। पहला आदमी कहाँ है? इन्हें जेल भेज दो। जी। घबराइए नहीं, ये हमारी गुप्त भाषा है। जाइए, इनके साथ जाइए। बॉम्बे गए।
रोने रोने बेटी आती हूँ। जिंदगी भर रोती ही रहेगी क्या? नहीं बाबा, अपने चांद का मुंह देखकर जरा आज पिछले दिनों की याद आ गई थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटी। एक बार अपने इस चांद को लेकर अमर के पास अब जाना। लेकिन बाबा, मुझे आज भी डर लगता है। बच्चे का मुंह देखती हूँ तो उनकी याद आती है। जी कहता है जाऊं, पर क्या, एक बार दिल मजबूत कर और जा, देखा जाएगा। बाबा, क्या वो भी सारी बातें भूल गए होंगे? क्या इस नन्हे बच्चे को देखकर उनका दिल भी बदल जाएगा जैसे मेरा बदल गया है? क्यों नहीं, इस चांद के टुकड़े को देखकर भला किस आदमी का दिल बदलना जाएगा। बच्चा ही घर का उजाला, सारी दुनिया का आनंद, भला कौन न चाहेगा। सच
सच पापा, तो मैं अभी रेडियो स्टेशन से लौट कर आती हूँ, फिर चलूंगी उनके पास। तुम भी चलोगे ना? चलूंगा ही नहीं, अब तो मैं वहीं रहूंगा। घर में अगर एक बच्चा और एक बूढ़ा रहता है तो मियाँ बीबी का लड़ना झगड़ना तो दूर रहा, जोर से बातें भी नहीं कर सकते। और देख जल्दी लौट आना। हाँ, ये पाजी अगर उड़ गया तो बस इसे अम्मा की गोदी चाहिए। अरे सोते बच्चे का मुंह चूमा नहीं करते। अरे दीदी भूल गई। बाबा मुन्ना को देखना। हाँ अच्छा। गई थी अपने लाल को। कौन आया था यहाँ? वो यहाँ आए थे क्या? मैंने कोई आवाज तो सुनी थी, मैंने दरवाजा भी बंद कर लिया था। भाभी भाभी वो कहाँ गए? भाभी यहाँ कब आए थे? आपने देखा है मेरा बच्चा उनके पास था? तुम्हारा बच्चा उनके पास? हाँ मेरा बच्चा घर में नहीं, न जाने कौन उठा ले गया। वो कहाँ गए? तुम्हारे जाने के बाद तो वो दीवाने जैसे हो गए। तुमने पुलिस में खबर दी? आप मेरा बच्चा लाए हैं, बोलते क्यों नहीं? आप मेरे घर गए थे, भगवान के लिए बोलिए, न जाने किसकी नजर लग गई, कौन उठा ले गया मेरे लाल को। जवाब दो मास्टर जी, मास्टर जी इन्हें समझाओ, पुलिस में खबर दो, कुछ करो। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, बोलिए। आपके चुप रहने से मेरा दिल और घबराता है, मुझसे इतना बड़ा मजाक न कीजिए। और दूसरा कौन ले जाएगा? मुझे अफसोस है तुम्हारा बच्चा कोई चुरा ले गया। तुम कहाँ चली गई थी? रेडियो स्टेशन पर। गाया जी भर के? नहीं। क्यों? पहुंचने में देर हो गई। इसके पास बैठी रह गई? बच्चे के पास। किसी से बातें कर रही थी? बच्चे को सुना रही थी। और दूसरा कौन था? मेरे बाबा। और तीसरा? क्यों जले पर नमक छिड़कते हैं? और तीसरा कौन होगा? बच्चे का असली बाप, जाओ उसी के पास, जिसका बच्चा था वही ले गया होगा। तुम हट यहाँ से। मुझे आप चाहे जो कह लीजिए, माँ का दिल पहचानिए, सच सच बताइए आपने उसे क्या किया। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ। दया की भीख जाकर मांग उस दयालु मोहन से। मैं दया की भीख देना नहीं जानता, बदला लेना जानता हूँ। तुम मुझसे बदला लेते हैं? उस बेकसूर बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसका तो किस्सा ही खत्म, अब उसका असली बाप रह गया है। दूर हो मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो मोहन की पहले तो यही। नहीं नहीं, तुझे भी जिंदा रखूंगा उन दोनों के दाम याद लगाने के लिए। बच्चा चुराया। पुलिस चौकी में बुलाया।
कहाँ है इनका बच्चा? कहाँ है इनका बच्चा? इनका बच्चा कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? हंसते क्यों हो? क्यों? हंसना कानून के खिलाफ है? तो लीजिए, रोता हूं। मजाक करते हो? मजाक? इंस्पेक्टर साहब, पागल भी कभी मजाक करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। ये सब झूठ है। अपना जुर्म छुपाने के लिए पागलपन का छोटा बहाना कर रहे हैं। ये पागल नहीं इंस्पेक्टर साहब। मैं पागल नहीं हूं, तुम्हें तो मुझे पागल बनाया था। उस वक्त तुम पागल हो गई थी। या इंस्पेक्टर साहब, शट अप। शट अप तो शट अप। बोलो, इनका बच्चा कहां चुरा ले गए? बातें ना बनाइए, मुझे अच्छी तरह मालूम है, आपके सिवा दूसरा कोई। इंस्पेक्टर साहब, मैं सबूत चाहता हूं। मैं सच कहती हूं इंस्पेक्टर साहब। क्या सबूत है कि तुम सच कहती हो? मिस्टर अमर, सबूत लेना देना अदालत का काम है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप इन पर कोई नाजायज दबाव नहीं डाल सकते। मुझे इन्होंने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? कि आपने इनका बच्चा चुराया। क्यों चुराया? इसलिए कि आपके दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत न थी। क्यों मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत न थी? आपके दिल और दिमाग पर शक का भूत सवार हो गया था। किसके लिए शक? अपने दोस्त के लिए। कौन मेरा दोस्त? बोलो, कहां रहता था वो? तुम्हारी उसकी पहचान थी? क्या नाम है उसका? बोलो, बोलो उसका नाम। चुप क्यों हो गई? बोलो, इधर उधर क्या देखती है? बताओ, बताओ। नहीं बताओगी? कैसे बताओगी? भला कोई शरीफ औरत किसी के सामने नाम लिया करती है? पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। ये आप क्या कर रहे हैं? अपने घर को बर्बाद करके अब भी आपके दिल की प्यास नहीं बुझी, जब देश को बर्बाद करने जा रहे हैं? ऐसा ना कीजिए, नहीं जाइए मुझे मेरा बच्चा। मैं देश के लिए अपना बच्चा कुर्बान कर सकती हूँ। समझा आपने? ये बात है, मैं ले चलूंगा आपको मोहन की गुफा में, लेकिन इसके पहले आप मंगल पुलिस को गिरफ्तार कर लीजिए। मंगल? मंगल कहां गया? कहां गया मंगल? बाहर गया। बाहर गया? मैंने आपसे कहा था ना, आप बाहर मोटर में बैठिए। आप जा सकती हैं। आपको मेरा एक काम करना होगा। पुलिस मेरे पीछे लगी है, अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। गुफा कहां है? नीचे पूछो। शट अप! जल्दी चलिए, शीला दूसरे आदमी के साथ चली गई। शीला चली गई?
देखो तुम इसको पकड़ो, आओ। मुझे भी गोली मार दी देशद्रोही, तूने देश के साथ विश्वासघात किया, अपनी बीबी की जिंदगी बर्बाद की, अपने देशभक्त दोस्त को व्यभिचारे कहकर बदनाम किया। जा, मोहन भाई तो भेजे गए होंगे, शिवा बहन तो पहले ही पहुंच चुके हैं। अमर भाई, आप मेरा एक संदेशा कहिएगा, हम दोनों ने पस में खाई थी कि हमारा देश आजाद होने के बाद हम शादी करेंगे, लेकिन मोहन बाबू जल्दी नहीं आएंगे क्या? अभी आते हैं। अरे शीला बहन, तुम मेरी झोपड़ी में? हाँ। बैठो ना। बैठने की फुर्सत नहीं, जल्दी जाना है। वाह बहन, तुम भी अमर के साथ रहकर उसी के रंग में रंग गई। नाराज क्यों हो? इस साल भैया दूज में नहीं आया इसलिए? क्या करें बहन, ये हिंदुस्तान आजाद करने का भूत सर पर ऐसा सवार है कि पता ही नहीं चलता होली कब आई दिवाली कब गई। बैठो ना। मैं अपना फर्ज पूरा करने आई हूँ, आपकी जान खतरे में है, पुलिस आ रही है। अरे पुलिस क्या चीज है, आज मेरी बहन मेरे पास है, एक दफा पुलिस से बचाया था, अब दूसरी मरतबा ना बचाओगी? ये मजाक का वक्त नहीं, अगर मैं आपके पुलिस दोस्त से वादा ना करती तो यहाँ ये कहने कभी ना आती। पुलिस दोस्त? हाँ हाँ, क्या कहा उसने? इस गुफा का पता पुलिस को मालूम हो गया है। कैसे, बोलो बहन। एक आदमी से। कोई आदमी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, हम किसका बुरा कर रहे हैं, हम तो सीधे अंग्रेजों से अपना हिंदुस्तान छीन लेना चाहते हैं। आपको खबर दे दी, मेरा फर्ज पूरा हो गया, जाती हूं। अरे तुम्हें हो क्या गया है, अमर से कुछ खटपट हो गई है क्या, तो इसमें बुरा क्यों मान गई? तुम्हें तो उसकी आदत मालूम है ना, मुझे मारने तक को तैयार हो जाता था, भड़क उठने तो उसकी पैदाइशी आदत है, उसके साथ तो तुम्हारे अहिंसा और गांधीवाद से काम चल सकता है। अगर उसने तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो, और जो कहीं उलटकर तुमने उसके गाल पर थप्पड़ जमा दिया तो बस घायल शेर की तरह मारने वाले को जिंदा ही खा जाएगा। क्यों रोती हो, बताओ ना क्या बात है, अपने भाई को भी ना बताओगी? तुमने राम की मूर्ति के सामने भैया दूज के दिन राखी मांगी है, अगर तुमसे कोई गलती हुई हो तो मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगने को तैयार हूं, मैं उसका साला जो ठहरा, साले की बात बहनोई ना मानी। अरे सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। मजाक मत करो मोहन भाई, उस दिन खाना खाने के वक्त आप दोनों में मजाक ही मजाक में झगड़ा हो गया था, लेकिन उनके दिल को तकलीफ हो गई, सालगिरह के दिन आपने हंसी खुशी में उन्हें बस फेंट दी, लेकिन उन्होंने उसका मतलब कुछ और ही समझा। मैं कभी कभी मजाक ही में आपको ज्यादा खाना परोस दिया करती थी, उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी, हम दोनों भाई बहन की तरह हंसते बोलते थे, उन्होंने इसे नाटक और ढोंग समझा, उन्होंने समझा हम दोनों की मोहब्बत भाई बहन की नहीं। क्या कहती हो शीला बहन? ठीक कह रही हूँ। अमर के दिल में मेरे लिए ये ख्याल? हाँ, उन्होंने मुझे बिल्कुल अंधेरे में रखा, और एक दिन चुपचाप घर में पुलिस बुला ले, भगवान की दया थी जो आप बाहर चले गए थे, उन्होंने समझा मैंने ही आपको घर में छुपा रखा है, उसका सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारा, यहाँ तक कि मेरा गला घोटकर मार डालना चाहते थे, अगर उसी वक्त मर जाती तो अच्छा होता, लेकिन उस वक्त मुझे जिंदा रहना था। बस करो बहन, मैं अभी जाता हूँ उस नीच के पास, आज या तो मैं अपनी जान दे दूंगा
या उसके दिल से ये काला धब्बा हमेशा के लिए मिटाकर छोड़ूंगा। मोहन, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया हूँ। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, जो अरमान अब तक ना निकाल सके थे उन्हें आज निकाल लीजिए। उस वक्त जीने की ख्वाहिश थी, इसीलिए मरने से डर गई थी, आज मरने जा रही थी। आखिरी बार मेरे देश के लिए एक फर्ज और बाकी था, वो हो गया। अब मेरे लिए जिंदगी और मौत दोनों बराबर हैं। चलाइए पिस्तौल, मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी और आपके दिल की प्यास भी बुझ जाएगी। चलाता क्यों नहीं पिस्तौल? एक गोली इन्हें मारा, दूसरी मुझे। हम दोनों तेरे दुश्मन हैं, हम दोनों नीच हैं, वे बेचारी हैं। हमने तेरा घर उजाड़ा है, तेरे दिल की शांति छीन ली है। हम दोनों भाई बहन का नाटक करते थे। मोहन, लो पिस्तौल, मारो मेरे सीने पे गोली। मैंने शीला जैसी देवी पर, तुम जैसे दोस्त पर विश्वास किया, मैं अपराधी हूँ। मारो मेरे सीने पे गोली, मारो, नहीं मारोगे? मोहन भैया, पुलिस ने चारों तरफ से घिर लिया है, गोली चल रही है। तुम अंदर जाओ, सारे कागज और बुलेटिन जला दो। और वो बच्चा जो शाम को मिला था, उसे यहाँ लाओ। शीला बहन, तुम मेरे लिए एक काम करो, इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना। बच्चा? यही है मेरा बच्चा। शीला, 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 मोहन भाई ने आज तेरे बच्चे को फिर से जिला दिया। मोहन, 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 आज से तुम अपनी बहन और अपने भांजे का ख्याल रखना। आज से मैं देश की आजादी के लिए अपनी जान देने जा रहा हूँ। अमर, मोहन, अमर, अमर, गोली मत चलाओ। हमारे पास आदमी नहीं, ताकत नहीं, सुनते नहीं। तो ना समझी मत करो, मैं यहां का लीडर हूं, मैं हुक्म देता हूं, गोली मत चलाओ। मोहन, ये क्या किया तुमने? जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। रो मत बहन, तुम्हें मेरे भांजे को संभालना है, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। थैंक यू मिस्टर अमर, कल पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाइएगा, आपका इनाम 5,000 रुपया मिल जाएगा। अमर,